Eli. Eli. एडी एडी होने से क्या होता है, ये जो डीएनएस सर्वर है ये अगर कोई चेंज करेगा तो उसका रिफ्लेक्ट ऊपर भी होगा, इसका रिफ्लेक्ट इधर भी होगा, इसका रिफ्लेक्ट इधर भी होगा। ठीक है सर, ह्यूमन फॉरेस्टर पे करते हैं। ठीक है, अगर सर प्राइमरी आप कर देते हैं तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में ओनली फॉर सिंगल मास्टर। दोनों को करने से ये ग्लोबल कैटलॉग का कांसेप्ट है, ग्लोबल कैटलॉग का जिस तरह मास्टर को बोल रहे थे इसमें रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ एडी इंटीग्रेटेड कर देते हैं तो एडी इंटीग्रेटेड का कौन सा होगा, एडी इंटीग्रेटेड एक तो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा और ऊपर से उसके अंदर मल्टी मास्टर की फंक्शनलिटी है, जैसे जो भी रिफ्लेक्ट करेगा वो भी करेगा। और अगर सबको आप एडी इंटीग्रेटेड पर रखना चाहते हैं तो डिपेंड अपॉन यू, या एक को एडी इंटीग्रेटेड पर रखना चाहते हैं बाकी को सिर्फ मॉनिटर सेंट्रली पर रखना चाहते हैं तो डिपेंड करता है आपका डिजाइन किस तरह। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है आप सेंट्रली पर शुरू करें। ठीक है, क्योंकि राइट फंक्शनलिटी एक आदमी हमेशा रखें, मल्टी आप अगर राइट फंक्शनलिटी रखते हैं तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, आप भी राइट बने इरफान भी राइट बने, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं या अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, या तो उस सिनेरियो में अपने हिसाब से चेंजेस करें कि आपस में 24 बस जो है आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, एप्लीकेशन हो रही है। अगर आपने कोई चेंज सिस्टम में किया, आपने वो अपडेट इरफान को नहीं दी, इरफान ने थोड़ी बहुत सिस्टम में एक नया इनपुट कर दिया, कन्फ्लिक्ट होगा ना। इसलिए कहा जाता है कि एक मास्टर हो तो बहुत ज्यादा बेहतर, यानी कि अगर डुप्लीकेशन इस उस मोड में भी हो रही है, अगर आप इसको स्कैंडी स्कैंडी कर रहे हैं वो चीजें क्या होती है उसके बाद वो क्या है कि वो ऊपर से फैलते हैं, वो ऊपर से फैलते हैं उसमें आगे चल के डिफरेंट चीजें आ जाती है, उसमें वो जो रिसीव करेगा अपडेट, वो जो रिसीव करता है अपडेट उसके टाइम फ्रेम में भी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, वो टाइम आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे इसने जो अपडेट 15 मिनट बाद देनी है, 10 मिनट बाद देनी है, 24 आवर्स के बाद देनी है, वो आगे चल के चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ चीज का डिस्कस हो रही है कि जो प्राइमरी के साथ अगर आप एनडी एडी के रिलेटेड रखते हैं तो जो चेंजेस अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी में हो रहे हैं उसका सारा का सारा रिफ्लेक्ट किस पर पड़ेगा, डीएनएस पे, और डीएनएस पे आपका जो वर्किंग जो बर्डन है वो कम हो जाता है उसका, एक तो आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ इस तीन फीचर्स को भी नोट कर फर्स्ट। ठीक है, ये फीचर अगर इन्होंने प्रोवाइड किए हुए बेसिकली नॉन एक नॉन सिक्योर सिक्योर है और एक ओनली फॉर सिक्योर ओनली है। ठीक है, ये डायनेमिक अपडेट्स के साथ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। आमतौर पर इसमें जो ऑप्शन हम रखी जाती है वो नॉन सिक्योर एंड सिक्योर की रखी जाती है, किसके रखी जाती है, नॉन सिक्योर एंड सिक्योर में। अगर ऑप्शन ओनली इसमें यहाँ कर दी जाए नन करेंगे नन करेंगे तो उसकी फंक्शनलिटी खत्म हो जाती है, दो तरह की फंक्शनलिटी में काम कर रहा है, एक नॉन सिक्योर सिक्योर में करता है, सिक्योर ओनली में सिस्टम